हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री फैक्टर में। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है कि परीक्षा की जो तिथि है उसमें उसकी तिथि में बदलाव कर दिया गया है और जो परीक्षा की तारीख है उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो 6 और 7 अगस्त को परीक्षा होने वाली थी PGET 2 की, इसमें मुख्य रूप से 7 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली थी MA और MSc की, उसके समय में बदलाव कर दिया गया है। वहीं एक परीक्षा को 6 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया है। और इस समय अब क्या परीक्षा होगी और एडमिट कार्ड के बारे में ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है। चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। अभी तक IPS कोर्स के और PGET 2 के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। अभी PGET 1 अर्थात MA MSc के एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं PGET 7 अगस्त को पहली पाली में होने वाली परीक्षा का समय बदल दिया गया है। डेट वही रहेगी। उसमें क्या किया गया है आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परास्नातक प्रवेश PGET के कार्यक्रम में बदलाव किया है। यह निर्णय 7 अगस्त को होने वाली कंबाइंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की परीक्षा को लेकर किया गया है। 7 अगस्त को सुबह की पाली में होने वाली PGET 1 की परीक्षा के समय बदलाव किया गया है। शाम की पाली में होने वाले MCOM की परीक्षा को शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब जो 7 अगस्त को MCOM की परीक्षा थी उसको टालकर अब उसको 6 अगस्त कर दिया गया है और सुबह के पाली में कर दिया गया है। तो आपके एडमिट कार्ड पे ये चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन न लें। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 54 पाठ्यक्रम में 10,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश के लिए प्रयागराज सहित देश के 10 शहरों में परास्नातक प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त से 7 अगस्त तक के होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में परीक्षा होने वाली है और परीक्षा के लिए 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऑफलाइन परीक्षा के लिए 17 और ऑनलाइन के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं। PGET के चेयरमैन प्रोफेसर प्रशांत घोष ने बताया कि अगस्त को CAPF की परीक्षा 10 बजे शुरू हो रही है और कई छात्र PGET 1 और CAPF की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रविवार को PGET 1 की परीक्षा जब सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगी, सुबह 6:15 बजे रिपोर्ट करना होगा। कहने का मतलब ये जो परीक्षा आपकी थी उसका टाइमिंग बदल दिया गया है। तो अब PGET 1 का जो परीक्षा है वह अब सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगा। तो वहीं आपको सुबह 6:15 बजे मतलब 6 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है और 7 बजे गेट की एंट्री बंद कर दी जाएगी और 7:30 बजे आपका परीक्षा शुरू कर दिया जाएगा। तो जो भी मित्र हैं वो इस न्यूज़ को जान लें और इसको सभी दोस्तों को शेयर कर दें। और आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। वहीं देखिए MCOM की परीक्षा जो 7 अगस्त को प्रस्तावित थी, अब ये सुबह 9:30 बजे ये परीक्षा होगी और MCOM में 1098 अभ्यर्थी वो एग्जाम देंगे। वहीं 2 से 5 अगस्त तक जिन विषयों का परीक्षा होगा उनका प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं बात कर लूँ और 6 और 7 अगस्त की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र देर रात तक जारी कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कल आपको यह जो एडमिट कार्ड है आपका PGET 1 का यह देखने को मिल जाएगा। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।